एक लीटर दूध को बॉईल कर लेंगे। और ये सिट्रिक एसिड है 1/4 टीस्पून, इसको हम पानी में घोलकर दूध को फाड़ने की तैयारी कर लेते हैं। घोल हमारा रेडी हो चुका है और दूध भी हमारा उबल चुका है, तो थोड़ा थोड़ा फ्लेम को लो करके डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। हर 1-2 मिनट पे ये प्रोसेस हम करते रहेंगे और तब तक करेंगे जब तक कि हमारा दूध फट नहीं जाता। तो बस 4 से 5 मिनट में ये फिनिश हो जाता है प्रोसेस, छेना हमारा रेडी हो जाता है। सिट्रिक एसिड की जगह हम लेमन जूस या विनेगर का भी यूज़ कर सकते हैं, उसको भी सेम तरह से पानी में घोल के यूज़ करना है। और यहाँ पे मैंने पूरा घोल डाल दिया था लेकिन दूध हमारा नहीं फटा था, तो थोड़ा सा और मिक्सचर रेडी करके डाल दिया है और अब ये देखिए दूध हमारा फटने लगा है और यहाँ पे हमारा छेना जो है रेडी हो गया है। तो एक बर्तन के ऊपर हम छन्नी लगा लेंगे और इसको छान लेंगे और ठंडे पानी से इसको या नॉर्मल पानी से इसको 2-3 बार वॉश कर लेंगे। इससे क्या होगा, वो खट्टापन भी निकल जाएगा छेना का और प्लस जल्दी छेना ठंडा हो जाएगा। अब इसको एक कपड़े में डालकर एक्स्ट्रा वाटर को हम निचोड़ देंगे, लेकिन मैंने छन्नी पे ज़्यादा देर तक रखा था इसलिए बहुत कम पानी बचा है, तो बस इतना पानी तो हमको चाहिए ही इसमें। तो जैसे ही 1-2 बूंद टपकना शुरू होता है छन्ना छोड़ देंगे और छेना को प्लेट में निकाल के इस तरह से मैश कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 2 छोटा चम्मच सूजी, और यहाँ पे डाल रहे हैं 1 छोटा चम्मच कॉर्नफ्लोर, 2 चुटकी भर बेकिंग सोडा और 4 चुटकी भर बेकिंग पाउडर। 1 लीटर के लिए काफ़ी है। और यहाँ पे 1 छोटा चम्मच या 1/2 चम्मच घी। अब हम हाथों से सब चीज़ को मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे फूड कलर लिया है, आप चाहे तो वाइट भी बना सकते हैं। तो जो भी आपका मनपसंद कलर हो, और यहाँ पे थोड़ा सा और फूड कलर ऐड कर दिया है कलर को डार्क करने के लिए, जितना भी लाइट या डार्क चाहिए। और ये हमारा डो रेडी हो चुका है सॉफ्ट सा, तो इसको डिवाइड कर लेते हैं जितना बड़ा या छोटा बनाना है और गोल करके इस तरह से पेड़े का शेप दे देंगे और साइड में जो क्रैक्स पड़ते हैं उनको भी हम प्लेन कर लेंगे। और थोड़ा सा मोटा ही रखना है इसको क्योंकि बाद में हम इसको कट करने वाले हैं, तो लेयर थोड़ा सा थिक होना चाहिए। और यहाँ पे 1/3 कप पानी और 3/4 कप चीनी 2 बार डाला है हमने, यानी जस्ट पानी का डबल चीनी, और बॉईल करके उबाल आने देते हैं। उबाल आ चुका है, अब हम इसमें जितने भी छेना के स्वीट्स रेडी किए हैं वो डाल देंगे। और मीडियम फ्लेम पे इसको 5 से 6 मिनट बॉईल होने देंगे और 5 से 6 मिनट के बाद एक बार इस तरह से पलट देंगे। 5-6 मिनट तक बिल्कुल भी टच नहीं करना है। और अब हम इसमें धीरे धीरे करके 2-2, 3-3 चम्मच पानी डालते जाएंगे हर 2-3 मिनट के बाद। लगभग 20 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे हम ढकते हुए और इस तरह से बीच बीच में हिलाते हुए और हर 2-3 मिनट पे 2-3 चम्मच पानी डालते हुए इसको पका लेंगे। और इस तरह से झाग आना चाहिए, ढकना ज़रूरी है। और यहाँ पे हमारे 20 मिनट हो गए हैं, हमने गैस को बंद कर दिया है और ऊपर से 2-3 चम्मच पानी डाल दिया है। पानी डालने के बाद थोड़ा ठंडा होने देंगे। 1/3 कप दूध उबला हुआ या कच्चा कोई भी, और 1/3 कप मिल्क पाउडर और 1 टेबल स्पून चीनी, और इसको हम अच्छी तरह से गुठलियों को तोड़ते हुए मिक्स कर लेंगे। ये हम स्टफिंग की तैयारी कर रहे हैं, तो जब तक हमारा मिठाई ठंडा हो रहा है तब तक हम स्टफिंग की तैयारी कर लेते हैं।
और इसमें डालेंगे हम एक छोटा चम्मच घी। और अब हम गैस को जला के बिल्कुल लो फ्लेम पे चलाते हुए लगातार पका लेंगे। तो जैसे दूध हमारा गर्म हो जाता है, ये गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा और इस तरह से हमारा इंस्टेंट खोया या मावा रेडी हो जाएगा। तो पाँच मिनट के अंदर ही ये रेडी हो जाता है। अब हमने गैस को बंद कर दिया है और इस तरह से मिठाई को भी निकाल लिया है थोड़ा ठंडा होने के बाद। और जितनी मिठाई है उतना डिवाइड कर लेंगे खोया को और इस तरह से पेड़े का शेप दे देंगे। और अगर चिपकता है तो इस तरह से हम निकाल लेंगे। और अब हम मिठाई को दो लेयर्स में कट कर लेंगे इस तरह से, सावधानी पूर्वक, क्योंकि बहुत सॉफ्ट होता है तो टूटने का चांस होता है। तो सारी मिठाई को हम लेयर्स में पहले कट कर लेते हैं और फिर एक साथ ही सबको रेडी कर लेंगे। तो ये हम बंगाली फेमस मलाई चॉप की रेसिपी रेडी कर रहे हैं। बहुत ही यम्मी मिठाई होता है, एक बार बनाएंगे तो आप बार बार इसको बनाना चाहेंगे। और यहाँ पे हमारे लेयर्स कंप्लीट हो चुके हैं, प्लस खोया का भी हमने इस तरह से शेप बना लिया है। इसको बीच में भरते हुए एक लेयर ऊपर से और एक लेयर नीचे से, और हल्का सा प्रेस करेंगे बहुत ही धीरे। और ये एक मिठाई जो है वो हमारा रेडी हो चुका है। तो सेम प्रोसेस से एक लेयर नीचे, बीच में मावा और ऊपर से एक और लेयर। तो हल्का सा प्रेस करते हुए सारे मिठाई को रेडी कर लेंगे। और यहाँ पे जो है वो आपको देखने से ही समझ में आ रहा होगा कट करने के बाद कितनी अच्छी जाली बनी है मिठाई में। खोया या मावा का लेयर आप मोटा या पतला अपने हिसाब से रख सकते हैं। अगर आपको मावा या खोया बीच में ज़्यादा भरना है तो लेयर मोटा रखेंगे और उसके लिए हम थोड़ा ज़्यादा मावा रेडी करेंगे। हमने यहाँ पे पतला लेयर रखा है इसलिए 1/3 कप में ही हो गया है। तो यहाँ पे इसी तरह से सारी मिठाई को पहले हम रेडी कर लेते हैं। और यहाँ पे हमारे सारी मिठाई रेडी हो चुकी है, इसको हम गार्निश कर लेते हैं। और रेडी हो चुका है हमारा बंगाली फेमस मलाई चॉप की रेसिपी। और इसको चाहे तो इस तरह से भी रख सकते हैं या फिर इस तरह से बीच से कट लगा सकते हैं। तो कट लगाने के बाद ये बिल्कुल मार्केट वाला लुक आ जाता है जो हम मिठाई की दुकान में काउंटर पे रखे हुए देखते हैं। तो मैं इसको कट कर रही हूँ यहाँ पे और इस तरह से सारी मिठाई को पहले कट कर लेते हैं। ये बहुत ही इजीली कट हो जाता है, बहुत ही सॉफ्ट होता है। तो यहाँ पे अब हमारा लास्ट मिठाई भी शेप में आ चुका है और ये देखिए ये सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। और गार्निश आप अपने हिसाब से, मैंने यहाँ पे टूटी फ्रूटी से किया है, आप चाहे तो ड्राई फ्रूट्स या नट्स से या फिर फूड कलर का एक एक ड्रॉप ऊपर से डाल सकते हैं। तो ये रेडी है हमारा मलाई चॉप। तो एक बार आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।